1971 की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। इसी जंग में हिस्सा ले चुके नायक प्रीतम सिंह से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए सुनते हैं प्रीतम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। 1971 में वार हुई थी, उधर 72 आया लौंगियाल में थे जी। हमारी जमुट उधर लौंगियाल में थी। पाकिस्तान ने रात को क्या मतलब अटैक किया, 2:35 पर उन्होंने फायर किया। आपको खबर थी कि पाकिस्तान द्वारा हमला होने जा रहा? नहीं, हमें कोई खबर नहीं थी जी। हमारे जो अफसर थे, सीनियर अफसर थे, उनको मालूम था, लेकिन हमें कोई मालूम नहीं था। आपको क्या बताया गया था? हमें तो यही बताया, हम उधर एक्सरसाइज पर जा रहे हैं जी। बाहर उधर जाने के लिए। प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि आर्मी के जवान की जिंदगी जोखिमों से भरी रहती है। आर्मी के जवान का जीवन पानी के बुलबुले जैसा होता है। उस टाइम तो बहुत खतरा था, मतलब जब पाकिस्तान के फायर आता रहा, गोले बरसते रहे, हवाई जहाज भी आए बहुत, इस तरह मतलब जहाज बम छोड़ते रहे, ऐसे होता। हमारी उस टाइम तो कोई वो नहीं है, पता नहीं बचना है या नहीं बचना, कोई पानी नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइन नहीं, देर नहीं, सिर्फ यही हमला अपना मतलब बचाओ करो कैसे। आर्मी जवान की जो जिंदगी होती है वो किस तरह की? बहुत कठिन जिंदगी है, कोई इसका भरोसा नहीं है, कब क्या होना इसके साथ, क्या नहीं होना, ये कोई आदमी नहीं कह सकता जी। ठीक है ना, उसके मतलब बोलने के लिए हम तो बोलेंगे मतलब ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं। जिस तरह से हम टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि फौज की जिंदगी जो है, आर्मी की जिंदगी इस तरह से होती है, क्या वो उसी तरह की होती है या उससे भी ज्यादा घातक होती है? उसके घातक होते हैं, जैसे पानी का बुलबुला होता है, बारिश पड़ती है, पानी गिरता है, बुलबुला बनता है। जे आर्मी के जितने भी है ना, कोई भी है, मतलब एक नीचे रैंक वाला है या बड़े रैंक वाला है, ऐसी कोई उनकी वो है जिंदगी है जी। कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाना, क्या जी, कब क्या होना है। जंग पर बनी बॉर्डर फिल्म को याद कर प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि असलियत और ज्यादा घातक होती है। ये जो बॉर्डर मूवी बनी थी, आपने जब हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, आपने कहा कि वो आप ही के बटालियन पे बनी, हमारी बटालियन की है जी, लौंगियाल में बनी हुई है जी। उधर लड़ाई लगी हुई है, लड़ाई के बाद बनाई है मूवी, तो बाद बनी है जो भी मतलब ये गेम हीरो शुरू गया। तो जिस तरह की उसमें सिचुएशन बताई कि सेम वैसी थी या उससे भी ज्यादा खतरनाक उस समय सिचुएशन? उस टाइम तो ज्यादा खतरनाक थी। आज के युवाओं को सलाह देते हैं प्रीतम सिंह जी और कहते हैं कि युवाओं को पढ़ लिख कर ही भर्ती होना चाहिए। आज के लिए युवा जो है, मेरा यही संदेश है, अपना पहले तो क्वालिफिकेशन करो, क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आजकल, कोई छोटा बच्चा कोई तो है नहीं, पहले तो अनपढ़ तबका चलता रहता है, जो हमारे कोई भी करा करे अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें नहीं कुछ, आप युवा तबका है मतलब पढ़ना चाहते हैं सबको, मतलब फिर उन्हें अपना भर्ती हो जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वॉर हीरो अब रिटायर हो चुके हैं और दुकान चलाते हैं और पुराने गाने सुन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्नीस सौ 1971 की जंग के वॉर हीरो प्रीतम सिंह जी को हमारा सलाम।